1997 में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एंट्री किया, मैं जनरल कोटे से एंट्री किया और बहुत लोगों को इस बात की तकलीफ हुई और यहाँ तक कहा गया कि इसका अपॉइंटमेंट करके बहुत बड़ी गलती की। मैंने फोरम बनाया, फोरम ऑफ एकेडमिक फॉर सोशल जस्टिस, तमाम लोग उसमें थे, काम करते रहे और आपको मैं बता दूं 1997 में SC ST का रिजर्वेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू होता है, लेकिन जो रिजर्वेशन लागू किया गया वो 13 पॉइंट रोस्टर से लागू किया गया और ये उन लोगों ने लागू किया जो लोग इस समाज का ठेका लिए थे, समाज के प्रोग्रेसिवनेस का ठेका लिए थे, जो समाज को आगे बढ़ाने का ठेका दिए थे, उन लोगों ने लागू किया था 13 पॉइंट। और 2006 में लगातार हम उसके लिए लड़ते रहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, 13 पॉइंट रोस्टर में कभी हमारा रिजर्वेशन पूरा होता ही नहीं है। 2006 में हमारे प्रयासों से और बार बार कॉन्टेक्ट करने के बाद UGC साहब ने फुराट साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से UGC में तमाम विरोधों के बावजूद उस गाइडलाइन को लागू किया और उस गाइडलाइन में साफ साफ रिजर्वेशन के लिए 200 पॉइंट रोस्टर की बात की गई। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 200 पॉइंट रोस्टर को लागू करने का प्रावधान अपने यहाँ लागू किया था, प्रावधान लेकर के आए, उसको पास किया, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस 200 पॉइंट रोस्टर को कभी लागू नहीं किया। आप मनुवाद की साजिश को समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैंने कहा मैं आपके मनोरंजन की बात करने नहीं आया, बड़ी कड़वी बात करने आया हूँ। और ये सब कुछ उस स्थिति में हुआ जब हम लोग चुप बैठे हुए थे और इंडिविजुअल लेवल पर अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विश्वविद्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे और हमारा समाज पीछे बैठा हुआ था, सबूत लड़के बैठे हुए थे, मल्टी डायमेंशनल स्टडीज लेकर बैठे हुए थे, उनसे कहीं बेहतर जानकारी लेकर के बैठे हुए हमारे लड़के अपने थे, तकलीफ हो रही थी। जब बराबर मिल रहे थे ये लड़के और कह रहे थे सर हम लोग क्या करें, इसलिए मैं आप लोगों के मनोरंजन की बात करने नहीं आया। 2013 में 200 पॉइंट रोस्टर को प्रेशराइज करने के लिए हम लोगों ने एक मूवमेंट बनाया था। 2013 में दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, जो कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मुखिया है, 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सबके मुखिया के तौर पर सबकी निगाह यही रहती है कि यहाँ क्या हो रहा है वही हम भी करेंगे, ABCD रोस्टर लेकर के आया दिल्ली विश्वविद्यालय और ये ABCD रोस्टर आई वाश था। 13 पॉइंट रोस्टर को नए तरीके से डिपार्टमेंट वाइज लागू करने का एक तरीका था। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कॉलेज में कॉमर्स की 2 SC की वैकेंसी थी, इस ABCD रोस्टर में जो गैप छोड़ा गया था उस गैप में ऊपर नीचे खिसका करके उसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया, ये ABCD रोस्टर था और धमकी दी गई। 3 लोग हम लोग थे उस सभा में, 400 लोगों की भीड़ के बीच में धमकी दी गई कि तुम लोगों को देख लिया जाएगा। हम 3 लोग थे जो बोलने वाले थे, सनोज था, मैं था और बलराज सहमत। बकायदा पॉइंट आउट करके हमें कहा गया कि तुम लोगों को देख लिया जाएगा। नितिन मेश्राम मेरे केस के गवाह, एडवोकेट नितिन मेश्राम वहाँ क्या है, ये हमारे केस के हिस्सेदार हैं, ये खुद जानते हैं पूरे केस की स्थिति। मैं चाह रहा था कि ये कुछ संक्षेप में बातचीत करते किस तरह से जजमेंट को पलटा हटाया गया, वहाँ के जजमेंट न देने की स्थिति बना दी। इन्होंने खुद संघर्ष किया उस स्थिति में, बड़ी तकलीफ हो रही थी जब हम कोर्ट में गए और हमें बदनाम किया और बदनाम करने वाले लोग कभी फ्रंट पे नहीं आए। बड़ी हैरानी हो रही थी, ये वो लोग थे जो अपने थे, जिनको नौकरी की जरूरत थी,
जो आरक्षण में थे और हमारे खिलाफ कोर्ट में जाकर के आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में जाकर के अपनी मौजूदगी दिखा रहे थे। इसलिए मैं आपसे आनंदित करने वाली बात करने नहीं आया हूं, साफ साफ कहने आया हूं कि हमारे मन में खोट है, हम ईमानदारी से अपने समाज के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। ये ईमानदारी जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी उस दिन हमारे समाज में परिवर्तन अवश्यम भावी है। दोस्तों आपको मैं एक चीज बता देता हूं, मंडल कमीशन जिस समय लागू किया गया मंडल कमीशन के विरोध में सड़कों पर ब्राह्मण नहीं उतरा, ठाकुर नहीं उतरा, भूमिहार नहीं उतरा, ओबीसी और एससी एसटी उतरा। जो आग लगा के मारा वो भी ओबीसी का था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 2013 में हम कोर्ट में गए तो हमारे पीछे पीछे आरक्षण के खिलाफ हमारा ही समाज और जिस विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं उसकी शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से बनाया गया है इसको भी देखना बहुत जरूरी है। 1997 में जब एससी एसटी का रिजर्वेशन दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू किया जा रहा था तो एक स्टाफ एसोसिएशन की मीटिंग में ये मसौदा लाया गया कि अगर एससी का आदमी इस स्टाफ में नियुक्त होकर के आया तो उसके लिए अलग रूम बनेगा, अलग चेयर बनेगी, अलग जगह बनेगी, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। ये वो विश्वविद्यालय था। और आपको यह भी मैं बता दूं कि बहुत से ग्रुप यहाँ पे इस रिजर्वेशन को लागू न करने के लिए एमएचआरडी को और यूजीसी को लिख लिख करके दे रहे थे कि विश्वविद्यालय की प्रक्रिया में आरक्षण की स्थिति जरूरी नहीं है, इसलिए कि आप आएंगे विश्वविद्यालय में, आपके बच्चे आएंगे विश्वविद्यालय में तो वो जो समाज जिस पर एकाधिकार और वर्चस्व की राजनीति की जा रही है, जिसे जबरदस्ती वोट लेकर के सत्ता में बैठा जा रहा है, वो समाज जागरूक हो जाएगा और वो अपने लिए कुछ शासन ढूंढेगा। दोस्तों मनोज जी ने मुझे समय मेरा समय बाधित कर दिया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी भूमिका क्या होगी, इतना जरूर कहूंगा कि आप जिस दिन अपने समाज के बारे में सोचने लगेंगे, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने समाज के बारे में सोचेंगे, उस दिन निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद।